विभाजित करने की कवायद बाद अब प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को भी दो हिस्सों में बांटे जाने की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि इंदौर नगर निगम को दो हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। यहाँ के लोगों की मंशा शहर को विभाजित करवाने की नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इंदौर क्षेत्रफल के हिसाब से भोपाल की अपेक्षा कमतर है, वहीं यहाँ के लोगों की सोच और दृष्टिकोण भी अलग है। इंदौर के जागरूक लोगों और नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के मेहनत की वजह से ही इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार तीन बार अव्वल आकर अपनी अलग छवि देश में काबिज कर चुका है। ऐसे में इंदौर को दो हिस्सों में बांटा जाना सही नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छता का चौक लगाने की कवायद भी कर रहा है। ऐसे में इंदौर में एक ही नगर निगम रहना चाहिए। आपको लेने वाला था, क्योंकि आईडिया के पास पैसा नहीं है, आईडिया उसको बनाने में असमर्थ है। तो खेल विभाग ने कितने पैसे आईडिया को ट्रांसफर किए हैं उसको बनाने को लेकर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंदौर नगर निगम को लेकर जो दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की बात चल रही है, जैसा भोपाल में सस्ता हुआ है, उसको लेकर सरकार की सोच। इतना बढ़िया सवाल, इतनी लेट क्यों पूछा? तो आपने सुन लो क्या इनका, एक मिनट इनका सुन लो। अच्छा, एक जहां तक नगर निगम का सवाल है, इंदौर शहर चूंकि पूरे देश में तमंगा, ये सम्मान इंदौर शहर के और खासकर हमारे कर्मचारी नगर निगम के और आम जन के माध्यम से हमें स्वच्छता का लगातार तीन बार मिला है। आगे भी हम इसको लक्ष्य की पूर्ति की ओर काम करते रहे, इसके लिए जनता का मानस बना हुआ है। मैं मानता हूं इस बात को कि इंदौर नगर निगम क्षेत्रफल की दृष्टि से और आम जनों के परिवार के एक मानसिक जो डेवलपमेंट के पार्ट पे प्ले करती है सोच, उसके माध्यम से ये एक ही नगर निगम रहना चाहिए। और इस पर हम, मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता की भी ये मंशा है, तो मेरा ख्याल है इंदौर नगर निगम एक नगर निगम रहेगी और हम सब मिलकर इंदौर शहर को विश्व के पटल पर कैसे लेके आए, इसके लिए प्रयास करें। दूसरा ये प्रश्न में तो कोई उत्तर में कमी तो नहीं रही। दूसरा, जो खेल विभाग को स्विमिंग पूल ट्रांसफर की प्रोसेस है वो चल रही है और उसमें आर्थिक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है कि हमें आईडिया को कितना देना है, कि हमें कितना लेना है, कि पूर्णता कैसे होगी। खेल विभाग आगे का पूरा खर्चा उसका उठाएगा और एकेडमी इसी वर्ष उसको चालू करेगा, एक वर्ष में चालू करेगा। ये दो महीने पहले जो बात उसकी, बाकी फॉर्मेलिटी जितनी होती है, ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, उसको लेकर एक विभागीय कार्रवाई होती है, वो पूर्णता की ओर है। जल्दी से उसमें तेज गति से काम होगा और स्विमिंग पूल की एकेडमी का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा।